Meanwhile. हो भी जा, सारा फेस रिवील ही खराब कर दिया। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम गाइस, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी माफ करना, मैं फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टिकटॉक की नाली से निकले हुए उस प्राणी के बारे में जो कि डांस करने में मेरा मतलब है मुजरा करने में है एक्सपर्ट और जिसके कंटेंट में होती है भारी मात्रा में ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, क्वालिटी की कमी। तो इस प्राणी का नाम है, क्या नाम है? 2000 years later. तो इस प्राणी का नाम है फैजू। कैसे कहते हैं? तो मैंने एक शायरी बनाई है फैजू पे। तो मैंने एक शायरी बनाई, सॉरी किस बात के लिए, हट, गजब बेइज्जती है कि झुकोगे अगर तो जाओगे पहले, झुकोगे अगर तो जाओगे पहले, और फैजू उनमें से जो लेने नहीं देने वाले। तो आओ इस बिन मौसम की बरसात में फुदकते हुए मेंढक की वीडियो देखते हैं। मगर जो कंटेंट ढूंढना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए ना, वो हम लोग में ना पांचों जन ग्रुप में ना सुबह 6-6 बजे 5-5 बजे तक मतलब उठ के कंटेंट ढूंढते हैं। भाई साहब 15 सेकंड की वीडियो के लिए 5-6 बंदे उठते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि जब 5-6 बंदे उठते हैं तो कितनी ही बढ़िया वीडियोस बनाते होंगे। तो रुको जरा, सबर करो। मीनवाइल पांचों जन ग्रुप में ना सुबह 6-6 बजे 5-5 बजे तक मतलब उठ के कंटेंट ढूंढते हैं। वाह भाई वाह, क्या कंटेंट है, क्या रिसर्च टीम है, मतलब इतनी उच्च क्वालिटी का टट्टी कंटेंट ढूंढते कहाँ से हैं ये लोग। मेरी तरफ से इनको जो भी इनकी मनपसंद गाली हो वो, मतलब क्या है ये, इसमें जनता क्या कंटेंट ढूंढे, मेरे को जरा तुम बताओ। हाँ हो सकता है, सोचो जब फैजू की बंदी ने कहा बेबी लेट्स डू इट तो फैजू बी लाइक, ये सोचो फैजू कभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया और उसके मैनेजर ने पूछा फैजू शो मी योर स्किल्स, फैजू बी लाइक पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है, फैजू तुम्हारे पास है भी। अब आओ इस लक्कड़ बग्गे की एक और वीडियो देखो। कल ब्लॉक करके बोल रही थी कि पापा नहीं मान रहे और आज अनब्लॉक करके बोल रही है कि पापा नहीं मिल रहे, हल्के में ले रही थी। वाह भाई वाह, इनके इस डायलॉग के लिए तालियां होनी चाहिए, मतलब क्या डायलॉग, क्या स्क्रिप्ट राइटिंग है, मतलब कल ब्लॉक करके बोल रही थी, ब्लॉक करके ही बोल रही है, अबे चौथी फेल, जब लड़की ने ब्लॉक कर दिया तो बोल कैसे रही है वो, कोई सेंस है इस बात की? इनकी वीडियो से ज्यादा सेंस तो जॉनी भैया की मूवीज में होता है, कम से कम भले ही सेंस कम हो बट देखने में मजा तो आता है, इसकी वीडियोज में ना सेंस है ना मजा। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों बाप मना कर रहा था शादी के लिए। अब आओ इस वर्जिन चूजे की एक और वीडियो देखो। चलो कम से कम कुछ तो ढंग की वीडियो बनाई है इसने। रुको जरा, सबर करो। मतलब इस वीडियो के शुरू में मेरे को लगा कि चलो जिम में वीडियो बना रहा है तो कुछ मर्दों वाली वीडियो बनाएगा, पर जैसा कि मैंने कहा कि फैजू की वीडियो और उसमें पिछवाड़ा ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मतलब इस बंदे में कोई लड़कों वाली आदत है भी, पूरा छमिया की तरह नाच रहा है। इस बंदे ने आमिर खान का एक डायलॉग तो सच ही कर दिया, हमारी छोरी छोरों से कम है के। अब आओ इसकी इस वीडियो के प्यारे 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 गालियों वाले कमेंट्स पढ़ते हैं। क्यूट प्लस हॉट इक्वल टू फैजू, हाय। अब देखो ये सारे कमेंट्स तो थे फैजू के फैन पेजेस के, पर अब हम लोग कमेंट्स देखेंगे
रियल बंदों के कमेंट, मतलब जैसे आप और मैं अगर ये वीडियो देखेंगे तो हम क्या कमेंट करते, तो अब हम वैसे रियल बंदों के कमेंट्स देखते हैं। वाह छमिया क्या नाच रही है, बवासीर एट पीर, वो गान हिलानी जरूरी है क्या, ऐसी बस प्यार मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? So guys, कुछ दिन पहले मैंने Instagram पे Q&A डाला था। Your weird assumptions about me. देखो, मैं फैजू से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके में कोई लड़कों वाली आदत है क्यों नहीं? मैं मीठा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है? ओह, यार देखो तुम जो कुछ भी कहो, but फैजू is really really a sweet guy. फैजू सच में बहुत ही मीठा आदमी है। फैजू इतना मीठा है कि अगर तुम की आने वाले टाइम में तुम अगर रेस्टोरेंट में डेजर्ट मंगवाओगे ना, तो वहाँ स्वीट डिश नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा फैजू डिश। फैजू इतना मीठा है। क्या बढ़िया था। देखो, मैं फैजू के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि फैजू एक आदमी नहीं, फैजू एक सोच है, और तुम्हें पता ही है जहाँ सोच वहाँ शौचालय। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। जो भी इस वीडियो में कहा वो सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए था, किसी के लिए भी हेट नहीं थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड पीस। Veet Mini Pack. Today smoother or visibly brighter underarms. Just Veet it.